खबर जबलपुर से है, जहां एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर विजय यादव के भाई सतीश यादव और उसके गुर्गों के हमले में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। 16 दिनों तक मेडिकल कॉलेज में वो मौत को टालता रहा। किशोर ने मौत से पहले आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए थे। वहीं वारदात से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है। किशोर के पिता पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के यहाँ गार्ड की नौकरी करते हैं। गोरख पुलिस के मुताबिक 23 अप्रैल की देर रात गोरखपुर निवासी सतीश यादव अपने गुर्गों अमन सरदार, अंकित कोरी, अनमोल कोरी, ऋषभ ठाकुर, कुरील, प्रांजल साहू करीब 10-15 लोगों के साथ पीपल मोहल्ले में उत्पात मचाया था। आरोपियों ने पीपल मोहल्ला निवासी सोनू गौड़, अवन और अवुआ उर्फ सावन बेन पर तलवार, चाकू और बेसबॉल के डंडों से मारपीट कर उसे मरणास्थन स्थिति में पहुंचा दिया था। आरोपी सावन को अपनी गैंग में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे। वही इंकार करने पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां सावन और पवन को तो छुट्टी मिल गई, पर अब भी उनके जख्म पूरी तरह से भरे नहीं है। वो दहशत में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। रुंधे गले से पिता मुन्ना लाल ने बताया कि वो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के बंगले में गार्ड की नौकरी करता था। रात में बेटा सोनू खाना खाकर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर तलवार, चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। जहां 24 अप्रैल को मेडिकल पहुंचा तो बेटे की हालत देखी नहीं गई। आरोपियों ने उसका एक पैर तोड़ दिया था, पेट और सीने पर चाकू और तलवार से वार किया था। तब से उसका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था, पर उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं गोरखपुर पुलिस ने प्रकरण में घर में घुसकर मारपीट, बलवा, चाकूबाजी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अभी तक पुलिस पीपल मोहल्ला निवासी ऋषभ ठाकुर, नवीन समद आजाद चौक गोरखपुर निवासी गगन कुरील, कोरी मोहल्ला निवासी अनमोल कोरी को गिरफ्तार कर ली है। वहीं मुख्य आरोपी सतीश सहित अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। CSP गोरखपुर आलोक शर्मा के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। आक्रोशित परिजन शव लेकर गोरखपुर थाने के सामने पहुंचे और रोड पर रखकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। वहीं परिजनों और मोहल्ले वालों की मांग थी कि प्रकरण में हत्या की धारा बढ़ाई जाए और मुख्य आरोपी सतीश यादव और दुबई फरार हो चुके अमन सरदार को भी गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग कर रहा है। वहीं आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन के आश्वासन पर परिजन माने हैं। कौन कौन मारा था तेरे को? बड्डा ने मारा था। बड्डा कौन? सतीश यादव। और उसके साथ वाले अंकित और एक नवीन और भी लड़के 10-15 सबने मारे उनको। के पास थोड़ी दूर पे उसको पटक के और पकड़ के हॉकी और चाकू से वार कर रहे हैं उसके। सर क्या हुआ था, ये घटना क्या थी? हमको कल दिनांक 8/5/2022 को थाने में सूचना गई। बाडवाय कृष्णा ने सूचना दिया कि सोनू जो दिनांक 24/4/2022 को मेडिकल में भर्ती हुआ था, जिसके दौरान इलाज मौत हो गई है, तो उसकी पंचनामा कार्यवाही में आए हैं। अभी मृतक के परिजनों ने पता चला है कि ये विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसमें चोटें आई थी, जिसमें मामला पूर्व से पंजीबद्ध है और जांच चल रही है। PM कराया जाता है, जो तथ्य सामने आएंगे तो कार्रवाई होगी।